आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। अगर हम आपसे पूछें कि सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन हम लोग जरा अब उसी बात को, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, इसी बात को जरा एग्जाम्पल्स के तौर पे समझेंगे। अगर मैं यहाँ लिखूँ वेरी इज गुड रीता गर्ल ए, आप देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ। क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? नो, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें कि रीता इज ए वेरी गुड गर्ल, इसका मतलब कि शब्द का समूह भी हुआ और एक निश्चित अर्थ हुआ, इसीलिए ये सेंटेंस कहलाएगा। इसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। दैट मीन्स शब्दों के समूह को जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। इन इंग्लिश ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो अब हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस पांच तरह के होते हैं, फाइव टाइप्स, दैट इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। और इन पांचों के दो फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, अब हम लोग इसके बाद एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे, असर्टिव का, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का, अफर्मेटिव नेगेटिव, सीरियल वाइज एक एक करके हम लोग जानेंगे। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस कहें या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहें, बात एक ही होता है, या स्टेटमेंट। एक्चुअली असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कोई भी बात को बोलते हैं, हाँ में और ना में। अगर हाँ में बोला तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा, अगर ना में बोले तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, देखिए इसके रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है कि एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब्स होगा, या वर्ब्स भी हो सकता है। ओके, और अदर वर्ड्स होता है। एग्जाम्पल, जैसे ही कुड कैच द ट्रेन। देखिए सब्जेक्ट कौन है? ही। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? कुड। वर्ब क्या है? कैच। और ऑब्जेक्ट कौन है? द ट्रेन। ओके, अब इसी का अगर नेगेटिव बनाए, देखिए कोई भी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो उसके लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना पड़ता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये एकदम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते कि नॉट कहाँ लगाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आप पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर रूल्स में लिखा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद जो भी होगा, वर्ब्स हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदर वर्ड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लाइक ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। ओके, फिर एक और एग्जांपल, वी शैल डिस्कस दिस मैटर। यहां सब्जेक्ट कौन? वी। हेल्पिंग वर्ब शैल। वर्ब क्या है? डिस्कस। ऑब्जेक्ट कौन है? दिस मैटर। उस नेगेटिव, उसी सेंटेंस का अगर नेगेटिव हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट कौन? वी। शैल के साथ नॉट, यानी कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, फिर डिस्कस दिस मैटर। ओके, जैसे आई एम योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड, यू आर माई ब्रदर, यू आर नॉट माई ब्रदर, ये सब जो स्टेटमेंट हम लोग हाँ में और ना में देते हैं, इसी तरह के सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब मुझे उम्मीद है आप लोग असर्टिव सेंटेंस को समझे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आप देख सकते हैं, दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इसमें हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं, किसी से भी हम लोग कुछ पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, अभी इसको हम लोग पहला जो जनरल रूल्स है उसको हम लोग सीखेंगे, कि ये जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होता था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज किया जाता है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट, उसके बाद जिस सेंटेंस में जो रहता है वो सब कुछ उतर जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, यहां कुड को बाहर निकाला, आप यहां देखो, कुड ही कैच द ट्रेन। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सामने रहता है, सब्जेक्ट के साथ नॉट, उसके बाद जो रहता है वो उतर जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, यही आप लोग एग्जाम्स में भूल जाते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने को देता है, आप वहां क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाते, आप सब कुछ करके आते हो,
बट वो गलती करते हो जिसके वजह से एक मार्क्स आपका चला जाता है। बाय द वे हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट एंड देन जो भी वर्ड्स है अदर वर्ड्स जो भी होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल कुड ही कैच द ट्रेन, कुड ही नॉट कैच द ट्रेन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब बाहर है, कुड ही नॉट कैच द ट्रेन। फिर शैल वी डिस्कस दिस मैटर, नेगेटिव में शैल वी नॉट डिस्कस दिस मैटर। अब आइए इसी तरह से, एम आई योर फ्रेंड, एम आई नॉट योर फ्रेंड, आर यू माई सिस्टर, आर यू नॉट माई सिस्टर, या aren't you my sister, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब आइए एक और पार्ट होता है टैग इंट्रोगेशन, आप ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पाएंगे कि टैग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, आपको ये भी दिया जाता है। टैग इंट्रोगेशन क्या होता है, जैसे आई एम योर फ्रेंड amn't I, ये जो लास्ट में क्वेश्चन किया जाता है ना, amn't I, isn't it, aren't you, these are the sentences tag interrogative sentences, okay, like you were my students, weren't you, this is tag interrogative sentences, okay। अब एक और पार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का और वो होता है WH words। अच्छा WH words आप लोग हमेशा सुनते रहे हैं, ये भी आप जान के रहो रखो कि कितने WH words होते हैं, 9, like who, whose, whom, which, where, when, what, why, how, ये 9 WHs से भी क्वेश्चन जो किया जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाता है, मतलब वह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लाइक हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू वॉचिंग, है ना, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में डोंट या डू नॉट भी होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा इसमें हम लोग किसी को भी ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, या रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, कोई भी वर्ड जो इस तरह का सेंटेंस होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल देखिए, टच द फ्लावर, डोंट टच द फ्लावर, बोलते हैं ना फूलों को छुओ, फूलों को मत छुओ, ऑर्डर देते हैं हम लोग। रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो, डोंट रीड दिस बुक, या डू नॉट रीड दिस बुक, सेम ओके। प्लीज सिट डाउन हेयर, रिक्वेस्ट के मूड में, काइंडली सिट डाउन हेयर, प्लीज काइंडली, ये सब लगा करके हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, और ठीक उसी मूड में नेगेटिव में भी बोलते हैं, जैसे प्लीज डोंट सिट डाउन हेयर, ओके। तो इसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग विश, अपने मन के इच्छाओं को प्रकट करते हैं। अब ये इच्छा दोनों ही तरीके से हो सकता है, या तो आशीर्वाद या श्राप। अगर हम लोग आशीर्वाद देते हैं तो अफर्मेटिव सेंस में आएगा, लाइक मे यू बी हैप्पी, भगवान करे आप खुश रहो। नेगेटिव में श्राप, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मे यू नॉट बी हैप्पी, भगवान करे तुम खुश ना रहो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड नॉट ब्लेस यू, मे ही सक्सेस इन लाइफ, मे ही नॉट सक्सेस इन लाइफ, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अब आइए हम लोग बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। इसमें हम लोग अपने इमोशंस को बताते हैं, एक्साइटमेंट को बताते हैं, जिसमें हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज करते हैं। अभी इंटरजेक्शन वर्ड्स क्या है, ओ, हुर्रे, आ, आउच, अलास, ब्रेवो, एटसेट्रा, मतलब ये सब वर्ड्स अगर यूज किया हुआ है सेंटेंस में, और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन वे विस्मयादिबोधक चिन्ह अगर ये लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसके एग्जांपल्स जैसे ओह ही हैज डाइड, नेगेटिव ओह ही हैज नॉट डाइड। फिर हुरे ही हैज वॉन द मैच, अब अगर मान लो किसी का बुरा चाहते हो तो आप जरूर बोलते हो, खुशी होते हो, हुरे ही हैज नॉट वॉन, आप ऐसे भी बोलते हो नेगेटिव सेंटेंसेस में, वो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। ओके अब एक और पार्ट होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाने का, वो है व्हाट या हाउ। जैसे व्हाट ए नाइस पिक्चर इट इज, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन,
ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही कहलाता है. हाउ हैंडसम यू आर, अगर आप किसी का तारीफ करते हो, हाउ हैंडसम यू आर, हाउ नाइस यू आर, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है. व्हाट ए मैन गांधी जी वॉज, है ना, हाउ ब्यूटिफुल द मून इज, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है. मुझे उम्मीद है आप लोग सेंटेंस जरूर समझे होंगे. ओके, अब इसके बाद मैं अगले पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में. पूरे हेल्पिंग वर्ब्स किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, वो सब कुछ मैं बता रहा हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.